क्यों जा रही है कि वो आपने जैसे कांग्रेस से त्याग पत्र दे के भाजपा में शामिल हुए थे और अब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि आप दोबारा से उसमें कांग्रेस में शामिल हो, कहां तक सच्चाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीति में कुछ अच्छी मानसिकता वाले व्यक्तियों ने ये बात चलाई है। और एक और आपकी जानकारी में बात देना चाहता हूं, पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार सबके कार्यालयों से जो जो किसी पार्टी के सिंबल समेत कोई होर्डिंग लगे थे उतरवाए गए थे, तो हमारे ऑफिस से भी जो बीजेपी के हमारे होर्डिंग लगे थे, बोर्ड लगे थे, वो उतारे गए थे। उसकी आड़ के अंदर कुछ निकम्मे आदमियों ने जो अच्छी राजनीति करते हैं उस तरह का दुष्प्रचार किया है। और मैं बताना चाहता हूँ जिन व्यक्तियों ने यह किया है, आजकल वो गन्नौर से धोखा दे के, गन्नौर से झूठ बोल के वो करनाल में चुनाव लड़ने गए हैं, उनकी जानकारी में मैं बात देना चाहता हूँ। आने वाली 23 तारीख को जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएगा, यहाँ जो हमारा बॉर्डर है करनाल का और सोनीपत का, हल्दाना बॉर्डर, उसको बहुत एक अलग तरीके से उसका स्वागत करेंगे। जिस तरीके से वो वहाँ से चुनाव कम्प्लीट करके आएगा और जो आज वहाँ का माहौल है, पहले गन्नौर के लोगों को धोखा दिया, अब वहाँ अपने पिताजी की विरासत की बात करके लोगों को बरगलाने का और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को आपके लिए एक विशेष स्वागत है गन्नौर की ओर से। आप आइए, आपका स्वागत करेंगे। और जिस तरीके की वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। मैं बीजेपी में आज भी हूँ और सच्चा सिपाही हूँ। जहाँ हम आज हैं वहाँ ईमानदारी से काम करते हैं। कैंडिडेट के, रमेश कौशिक जी के साथ में हर कार्यक्रम में कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। और इन अफवाहों पे मैं अपनी टीम से भी और सभी युवा साथियों से, अपने गन्नौर वासियों से सबसे कहना चाहता हूँ, कोई अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की चलाई हुई चाल है। धन्यवाद।